डेली न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है अब तक की बड़ी खबरें। असम पब्लिक सर्विस कमीशन के कैश फॉर जॉब घोटाले में एक और आरोपी अधिकारी ने सोमवार को सरेंडर कर दिया। असम सिविल सर्विस ऑफिसर रोमी सेकिया ने पुलिस के समक्ष सरेंडर किया। वह पिछले 13 दिन से फरार थी। दो अन्य अधिकारी निशा मोनी डेका और राकेश गुप्ता अभी भी फरार हैं। कैश फॉर जॉब घोटाले में अभी तक पुलिस 23 अधिकारियों को गिरफ्तार कर चुकी है। असम के कोकराझाड़ में पहली बार 3 दिवसीय कार्यक्रम के तहत निशुल्क चिकित्सा एवं ध्यान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्वयं योग गुरु स्वामी रामदेव व आचार्य बालकृष्ण महाराज उपस्थित रहेंगे। यह शिविर 23, 22 व 23 नवंबर को नगर के ग्रीन फील्ड में आयोजित किया जाएगा। असम के वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र नाथ चक्रवर्ती विवादों में हैं। विवादित बयान को लेकर चक्रवर्ती के खिलाफ 3 FIR दर्ज की गई हैं। चक्रवर्ती ने कथित रूप से कहा था कि असम की जमीन पर अतिक्रमण करने वाले नगाओं को गोली मार देनी चाहिए। कमल कुमार मेदी ने इसी बयान को लेकर चक्रवर्ती के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इम्फाल में 2 दिवसीय पूर्वोत्तर विकास शिखर सम्मेलन का मंगलवार को उद्घाटन करेंगे। इस शिखर सम्मेलन के जरिए इस अल्प विकसित क्षेत्र में व्यापार एवं निवेश को प्रोत्साहन देना है। इंडिया फाउंडेशन केंद्र और मणिपुर सरकार के साथ मिलकर इस शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगाई ने मौलाना अरशद मदनी द्वारा उनका नाम लिए जाने पर कहा कि उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा कि असम में कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं है। उन्होंने कहा कि असम में बांग्लादेशी नहीं है, ऐसा उन्होंने अपने कार्यकाल में कभी नहीं कहा। उनके नाम का गलत जिक्र किया गया। उन्होंने मदनी के सांप्रदायिक बयान से खुद को अलग कर लिया। उन्होंने कहा कि मदनी ने जो सांप्रदायिक बयान दिया वह ठीक नहीं है। धन्यवाद।